के करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया सीधे ट्रांसफर करने की योजना का आज शुभारंभ किया। और मित्रों, आज जब मैं आया हूं, कुछ ही दिन पहले पुलवामा के अंदर एक कायरतापूर्ण हमले में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के 40 जवानों को मौत के घाट उतारा, उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया। सामने से वार करते तो हमारे जवान दो दो हाथ कर उनको जवाब देते। एक कायरतापूर्ण हमला किया और वो हमले, वो समझते हैं किससे जम्मू कश्मीर और देश की सुरक्षा पर वो सवाल या निशान लगाएंगे। मित्रों, मैं आज जम्मू कश्मीर की जनता को कहने आया हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इससे कोई अलग नहीं कर सकता। यही जम्मू है, यही कश्मीर है जिसकी रक्षा के लिए जनसंघ के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कर दी गई थी। इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था यही कश्मीर। और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, चाहे श्यामा प्रसाद जी को देखा हो न देखा हो, मैंने भी नहीं देखा, कई लोगों ने नहीं देखा होगा, देखने वाले अब कम ही बचे होंगे, मगर सब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इससे हमें कोई छीन नहीं। और इसलिए फिर से मैं एक बार नारा लगाता हूं, मेरे साथ जोर आवाज से बोलिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार 2014 के बाद देश में सत्ता में आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद आतंकवादी गतिविधियों से जरा भी समाधान नहीं किया है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए हुए है, इनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, ये बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा। और सिर्फ कहा नहीं है, सरकार भी इस तरह से चलाई है, चाहे कूटनीतिक क्षेत्र हो, पाकिस्तान को विश्व के अंदर अलग थलग करने की बात हो, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आतंकवाद के पुरोधा कर उजागर करने की बात हो, या गोली का जवाब गोले से देना हो, ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए कभी पीछे नहीं। और मैं आप लोगों को आज भी कहना चाहता कि 40 जवानों का जो खून जम्मू कश्मीर के धरती पर बहा, चाहे वो तमिलनाडु के हो, चाहे केरल के हो, चाहे उत्तर प्रदेश हरियाणा के हो, चाहे जम्मू कश्मीर के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे बंगाल के हो, मां भारती के बेटों का जो खून इस जम्मू कश्मीर की धरती पर बहा है, वो खून व्यर्थ नहीं जाने वाला है, वो खून व्यर्थ नहीं जाने वाला। अगर वो समझते हैं कि इस प्रकार के कायराना हरकतों से देश की सुरक्षा को, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को वो खंडित कर सकते हैं, उस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, तुमको मालूम नहीं है ये भारत की फौज है, भारत की सुरक्षा बल है और भारत के प्रधानमंत्री जी ये सुरक्षा बलों के साथ
चट्टान की तरह खड़े रहकर उनको खुली छूट दिए हुए। भारतीय जनता पार्टी, आज मैं बहुत लंबी बात आपको नहीं करूंगा, रामलाल जी ने काफी बातें बताई होगी, आप लोग इतनी धूप में कब के बैठे। मित्रों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके 5 साल पूरे होने आए, और ये 5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर की स्थिति के अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, पहले एक जमाना था, विकास का मतलब कुछ परिवारों का विकास होगा। दिल्ली से ग्रांट तो इतनी ही आती थी, मगर 2 परिवारों के अंदर ग्रांट बढ़ जाती थी, सिमट जाती थी, जम्मू कश्मीर का कोई काम नहीं होता था, न घाटी का होता था, न जम्मू का होता था, न लद्दाख। और उसमें भी जम्मू और लद्दाख के साथ बहुत अन्याय, जम्मू कश्मीर लद्दाख में असंतुलित विकास का एक मॉडल पहले की सरकारों ने और विशेषकर कांग्रेस की 55 साल सरकार चली, कांग्रेस की जो 55 साल सरकार चली उसने जम्मू और लद्दाख को अन्याय करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज जम्मू और लद्दाख के विकास के दरवाजे खोलकर जम्मू वालों को पहली बार एहसास कराया है कि सरकार उनके लिए भी बनी है, लद्दाख वालों को पहली बार एहसास कराया है कि सरकार उनके लिए भी बनी है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 80,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिया था, और मित्रों वो पैकेज आज मुझे कहते हुए आनंद है, पूरे के पूरे पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है, और बचा खुचा था वो राज्यपाल महोदय के नेतृत्व में राष्ट्रपति शासन के अंदर हो रहा। क्षतिग्रस्त घरों के लिए 1200 करोड़ रुपया भेजा गया, व्यापारियों के लिए 800 करोड़ भेजा गया, 4000 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिला उप अस्पताल और पीएचसी के अपग्रेडेशन के लिए 900 करोड़ खर्च होगा, आईआईएम 1000 करोड़, आईटीआई 1000 करोड़, पर्यटन विकास 2000 करोड़, हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम 1500 करोड़, जम्मू और श्रीनगर के रिंग रोड के लिए 3200 करोड़, लघु जल विद्युत परियोजना 2000 करोड़, 5 IR बटालियन 300 करोड़, एसपीओ के परिश्रम में वृद्धि 450 करोड़, स्मार्ट सिटी 500 करोड़, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन 3700 करोड़, पाकुलदून के लिए इक्विटी 4000 करोड़, ईपी के लिए निधि 1278 करोड़, भारतमाला 2700 करोड़, ज्योतिला सुरंग जो जम्मू कश्मीर की शान बनकर आज पूरी दुनिया जिसको देख रही है, ज्योतिला सुरंग 9000 करोड़, विश्व बैंक के लोन को अनुदान में बदल दिया, आपका रूल समाप्त किया 1350 करोड़, हॉर्टिकल्चर के लिए 500 करोड़, चम से परिवारों के लिए मुक्ति पाकुपाई कश्मीर और चम से 2000 करोड़, श्रीनगर बनिहाल रोड 735 करोड़, जम्मू अखनूर पुंछ रोड 100 करोड़, श्रीनगर सोफिया काजीपुंज रोड 1800 करोड़, और कारगिल जंक्शन रोड 4200 करोड़। मुझे बताओ, ये एनसीपीडीपी के परिवार का शासन होता तो कुछ होना था क्या? जरा जोर से बोलो जम्मू वालों।
परिवार के विकास के लिए काम करती है। पहली बार जम्मू की जनता ने, पहली बार लद्दाख की जनता ने, पहली बार कश्मीर भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में हिस्सेदारी देने का मौका दिया, हमारे सांसदों को केंद्र में पहुंचाया, भाई जितेंद्र जी प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री बने और बाकी दो सांसदों को जीता। इसके कारण आज जम्मू कश्मीर के अंदर विकास के द्वार खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, अभी मैं सुन रहा था फारूक अब्दुल्ला साहब पूछ रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या था। फारूक साहब, हम तो यही रहते हैं लंदन में वैकेशन करने के लिए नहीं जाते हैं। देखो, हमारा हिसाब मानते हैं, बाकी के युवाओं को जो भड़काते हैं, जो अंदावाद की बात करते हैं, मैं गांधी के युवाओं को पूछना चाहता हूं, तनिक जांच करो इनके बेटे कहां पढ़ते हैं। गांधी की स्कूलों को बंद करवाने का काम करने वाले के बेटे अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर पढ़ते हैं, ये किसके पैसे से पढ़ते हैं? किसके पैसे से? ये जम्मू और काश्मीर की जनता के पैसे। ये भ्रष्टाचार जो पीडीपी परिवार, जो एनसी परिवार ने किया है, उसने जम्मू कश्मीर के विकास को रोका है। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी नाम का चौकीदार आया, पाई पाई जम्मू कश्मीर की सरकार को। मित्रों, हमारा अकाउंट था, मैं उनको अकाउंट देने नहीं आया भैया, ना मुझे महबूबा जी से अकाउंट देना है, ना फारूक अब्दुल्ला साहब को अकाउंट देने की जरूरत है। ये जम्मू की जनता मेरी माई बाप है, मैं तो जम्मू की जनता को अकाउंट देना है। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि जब हम चुनाव में जाते हैं तो पाई पाई और पल पल का हिसाब लेते हैं। बताओ भाइयों, जम्मू की जनता को, लद्दाख की जनता को, घाटी की जनता को अकाउंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 55 साल में जो किया है, राहुल बाबा आपकी चार पीढ़ी और 55 साल की सरकार न कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 13 फाइनेंस कमीशन आया, 13वें वित्त आयोग आया, जम्मू कश्मीर को 13वें वित्त आयोग में 98,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था भाई, बोलो जोर से बोलो, कितना? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जम्मू वालों ने बनाई हुई, नरेंद्र मोदी सरकार आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 98,000 करोड़ बदलकर बढ़ाकर 1,98,000 करोड़ रुपया। मित्रों, मैं 80,000 के पैकेज के अलावे थे, 80,000 के पैकेज के अलावे, और 80,000 का पैकेज मिला लीजिए तो टोटल 2,74,114 करोड़ रुपया खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, मैंने तो आगे गिनाया, इसके अलावे ग्रामीण सड़कों का निर्माण 3700 करोड़, श्रीनगर में चारों सड़क बनाने का निर्माण 2,250 करोड़, पीओजे के विस्थापितों के हित लिए 2,000 करोड़, और कई सारे बड़े बड़े सुरंग और रोड बनाने का काम कर सेना को एक दिन में सरहद पर पहुंचाया जा सके, इस प्रकार की सुविधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जम्मू क्षेत्र की सरहद पर रहने वाले लोगों के लिए बंकर बनाने की योजना भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई, नए मेडिकल कॉलेज,
नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, ये राहुल बाबा अभी सवाल कर जम्मू काश्मीर की स्थिति, मैं राहुल बाबा को जवाब देना चाहता हूं। राहुल बाबा, आज जम्मू काश्मीर का अगर सवाल उठता है तो आपके पर नाना जवाहरलाल नेहरू के कारण। पूरे देश के राजे रजवाड़े सरदार पटेल ने एकत्रित किए, फिर जम्मू को प्रधानमंत्री उस वक्त के जवाहरलाल जी ने अपने हाथ में ले लिया। हैदराबाद में इससे बड़ा सवाल था, जूनागढ़ में इससे बड़ा सवाल था, सरदार पटेल ने रातों रात इसको सॉल्व किया। यहां पर आपने जम्मू कश्मीर के प्रश्न को लटका कर, जब हमारी फौजें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को कब्जे करने जा रही थी, मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा, इतिहास पढ़ा है, ये फैसला किसने दिया फौजों को रोकने का, ये फैसला किसने दिया ये प्रश्न को यूएन में ले जाने का। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने फैसला दिया था जो हमें विरासत में मिला। मगर आप चिंता मत करो, कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, हमारा संकल्प है कि जम्मू कश्मीर को हम कभी भी भारत से अलग नहीं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने देश भर के अंदर एक नए प्रकार के विकास की शुरुआत, देश के 50 करोड़ गरीब जिनके लिए विकास स्वप्न था, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं होती थी, प्रधानमंत्री जी ने उन 50 करोड़ लोगों को उनका जीवन स्तर सुधारने का मौका दिया। 6 करोड़ लोगों को, देश के गरीब लोगों को सिलेंडर दिए, कुल 13 करोड़ सिलेंडर दिए, 8 करोड़ शौचालय दिए, 2.5 करोड़ घर दिए, 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई, 13 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक का फायदा पहुंचाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और सबसे बड़ा काम किया है। असम के अंदर प्रायोगिक स्तर पर एनआरसी लाए। मुझे बताओ जम्मू वालों, इस देश में से घुसपैठियों को निकालने तैयार नहीं निकल रहे, जरा जो जम्मू आपके यहां रोहिंग्या है उनको निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए? मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं राहुल बाबा इन कंपनी को, आप देश की जनता के सामने स्पष्ट करो कि इस देश में से घुसपैठ निकालने के लिए सहमत हो या नहीं। मित्रों, राहुल बाबा चुनाव के पहले इसकी घोषणा करकर धर्म की धरती पर पत्र, मैं बता देता हूं भारतीय जनता पार्टी असम की तर्ज पर कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर गुजरात तक एक एक स्थिति को तुम तुम करके उसके निकालने के लिए रोहिंग्या के लिए कांग्रेस की बीटी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई कि कोई रहने देना, क्यों भाई ये जम्मू की धर्मशाला है, जो आएगा बस आएगा, ऐसे नहीं चलेगा। इस देश के अंदर वही लोग रहेंगे जो देश के अंदर रहने के लिए जिनको कानून में अधिकार है, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दायर किया, रोहिंग्या को चाहे बंगाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे भारत का कोई भी कोना हो, हम रहने नहीं देंगे, वो भारत में रह नहीं सकते। पार्टी राष्ट्रवाद के सिद्धांतों के आधार पर, मुझे आनंद है कि मैं एक ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ऐसी पार्टी का अध्यक्ष हूं जिसके पहले अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपने जान का बलिदान। पंडित प्रेमनाथ टोडा के जीवन चरित्र को न केवल जम्मू कश्मीर, देश में फैले हुए करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंडित प्रेमनाथ टोडा को आज भी हर रोज सुबह याद करते हैं कि डोगरा जी ने
तस्वीर को बचाने का काम किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तस्वीर को बचाने का मित्रों कि गठबंधन वाले देश का भला कर सकते हैं क्या? जरा बताओ कर सकते हैं क्या मित्रों? ये पूछना चाहिए गठबंधन वाले। मैं तो पूछ पूछ कर थक गया, मुझे जवाब ही नहीं। आप पूछो, जनता पूछे, चाहे जनता को जवाब दो। मैं तो पूछ पूछ कर थक गया कि भाई ये गठबंधन का नेता कौन इस देश का प्रधानमंत्री? बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? जोर से बोलो, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? जिसका कोई नेता नहीं है, जिसका ना नीति है ना सिद्धांत है, वो गठबंधन देश का भला नहीं कर सकता। ये गठबंधन नहीं है, मिलावट करने वालों का टोला जमा है, परिवारवाद वालों का टोला जमा। अपने परिवार के लिए जीने वाले लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण एकत्रित आए हैं, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है जिनके लिए भारत माता के अलावे, भारत की इस भूमि के अलावे कोई चिंता नहीं है। वो भारत माता को शत प्रतिशत समर्पित नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मित्रों, आज देश के अंदर सुरक्षा का सवाल है। मुझे बताओ, एक गठबंधन वाले देश को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? देश को सुरक्षा केवल और केवल हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। देश के अर्थतंत्र को गठबंधन आगे बढ़ा सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, बढ़ा सकता है? देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं गठबंधन वाले? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का मादा और छाती अगर किसी में है तो हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी में है और किसी में। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक प्रामाणिक प्रधानमंत्री दिया है। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने वाला एक मेहनती प्रधानमंत्री दिया है, एक दूरदृष्टि वाला प्रधानमंत्री दिया है। दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, एक संवेदनशील प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, एक कर्मठ प्रधानमंत्री देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, एक गठबंधन की मजबूर सरकारें देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। भारत को अगर विश्व में महासत्ता बनना है तो हमारे लिए एक ही विकल्प है, मोदी जी के मजबूत नेतृत्व को फिर से एक बार 2019 में प्रधानमंत्री बनाना। मोदी जी ही विश्व में भारत को महासत्ता बना। आज जम्मू के कोने कोने से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मेरे पन्ना प्रमुख भाई बहन आए हैं। मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, 19 के चुनाव में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप लोग तैयार हो क्या? जोर से बोलो, ऐसे नहीं, तैयार हो क्या? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? भाजपा को विजयी बनाएंगे? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको दोहराएंगे? देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे? जम्मू को विकास को आगे बढ़ाएंगे? लेह लद्दाख के विकास को आगे बढ़ाएंगे? तो मित्रों, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, आतंकवाद के सामने लड़ने का एक संकल्प करिए, मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से अंबर तक आवाज जाए ऐसी आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और फिर से एक बार बोलिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। आप सभी को मैं देर से आया,
इसलिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। वंदे मातरम के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम सुजला सुफला मलया।